बुंदेलखंड के वीर प्रतापी महायोद्धा आला उदल के इतिहास पे दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक डायरेक्टर बड़ी फिल्म बनावे जा रहे हैं। महोबा में चंदेलकालीन योद्धाओं की वीरता जल्द बड़े फिल्मी पर्दा पे आए। आला उदल की वीरता को दर्शावे किला ने बनने वाली फिल्म की शूटिंग किला ने महोबा जिला के चंदेलकालीन स्थानों को चिन्हित करेगा है और दक्षिण भारतीय फिल्मों के डायरेक्टर मुकेश चौकसी फिल्म को बनाने वाले हैं जो 5 भाषाओं में रिलीज करी जाए है। फिल्म में प्रसिद्ध कलाकार सुमन तलवार आला को किरदार निभाएं तो अन्य कई बड़े कलाकारों को भी मौका मिले है। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में महोबा के वीर योद्धाओं की वीरता को दर्शात ये पंक्तियाँ जल्द फिल्मी पर्दे पर नजर आएं। अक्टूबर के महीना में आला उदल पे बड़ी फिल्म को प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो अहम मकसद ये है कि हमने किताबों में पढ़ा था बचपन में और कई कहानी और लोकगीत भी सुने थे और कई उनके ऊपर ग्रंथ भी किसी ने लिखे हैं, बहुत वो तो नहीं पढ़े मैंने लेकिन सुना बहुत कुछ लिखा गया। तो आला उदल के बारे में हमने जो बचपन में किताब में दादाजी ने बताया, पिताजी ने, नाना ने बताया, ऐसे पढ़ते रहे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि मैंने बार पहले मतलब हम जो फिल्म बनाना चाहते थे तो अचानक दिनेश जायसवाली साउथ के एक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो उनने मुझसे चर्चा करी कि मुकेश जी आला उदल को जानते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चाह रहे कोई ऐसा मिल जाए तो हम फिल्म बनाए, हमारे पास बहुत सी चीज़ सामग्री है। उन्होंने बोला इस पर ही फिल्म बनाना, तो हमने फिर काम शुरू करा, काफ़ी लोगों से चर्चा करी। तो हिंदुस्तान की किताबों के अंदर जो हमारे आने जो पीढ़ियाँ चल रही है उन्हें नहीं मालूम किसी को, हम लोगों को इसलिए मालूम है कि हमारे बुजुर्ग फोर्थ पीढ़ी जानती थी इसलिए हमें बताती थी कि आला उदल कौन है। तो आला उदल के बारे में जानना और एक योद्धा के बारे में जानना जिसने युद्ध जीते और फिर उसके बाद अपने आप को सन्यासी बना लेना और गोरखनाथ जी की शरण में चले जाना, ये बड़ा विचित्र है। उनकी प्रेम कहानी थी, उनके भाई थे उदल, उनके मौत के बाद जब आला ने युद्ध लड़ा तो काफ़ी क्रोधित और वो जो सीन है बताना, ये सारी चीज़ें और उदल का जन्म होना, 2.5 फीट जमीन नीचे जाना, ये सारा सब फिल्माकन जिस तरीके से हम करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो देखे और वो जाने कि आला उदल कौन थे, कि योद्धा कौन थे, वीर योद्धा, क्योंकि हमारे इतिहासों को तोड़ मरोड़ के दबा दिया गया है। अब ये युग आया है कि हमारा जो इतिहास है अब उभर के आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, सब सामने चीज आ रही है, तो ये पीढ़ी जाने और समझे कि आला उदल कौन थे, उसको लेके हम उनके जीवन पर हम उनके जो कैरेक्टर है उनको एक मूवी में, एक फिल्म जो 5 भाषाओं में बनेगी, हिंदी में, मराठी में और भोजपुरी में और तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, तो ये फिल्म जब दुनिया देखेगी तब उनको पता लगेगा कि रियल आला उदल की स्टोरी क्या है, वो क्या थे, उन्हें क्या करा, उनका लव स्टोरी है, सारे मलखान जो है वो माखन उसके बारे में, ये सारा सब पूरा मिला के उनके जो मामा के बारे में, मामा के रोल के लिए भी मैं शक्ति कपूर को लिया है, आला के रोल के लिए सुमन तलवार जो साउथ का बड़ा स्टार है जिसने शिवाजी द बॉस रजनीकांत के साथ और गब्बर इज बैक अक्षय कुमार के साथ किए और कलेक्टर नितिन चौकसे और प्रीति चौकसे उस फिल्म को काफ़ी उन्होंने किया, उनको लेके हम आला का रोल कर रहे हैं। उदल का रोल दिनेश जायसवाल कर रहे हैं और जो मेन कैरेक्टर है फीमेल का वो प्रीति चौकसे कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी और यहाँ के जो हमारी प्रतिभा है यहाँ पर, जो हमारे हम जिसे बोलते हैं, ये अभी आपने बोला पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग और ये कुछ नहीं होता, अभी आंचल में सारे कलाकार होते, एक मौका मिलना चाहिए तो वो पर्दे पर अपने कला दिखाता है तो दुनिया के सामने आता है। आला उदल पे बनने वाली फिल्म किला ने खकरामठ, रहेलिया, दिसरापुर, तीरथ सागर, मदन सागर समेत कई स्थानों को चिन्हित करेगा है। फिल्म की तैयारियों को लेकर इन स्थानों को निरीक्षण भी करेगा है। जाऊंगे तो बहुत सुरक्षित मिलेगा क्योंकि उनको केयर करना है, रखने का तरीका, आज जैसे हमने अंकुश जी हमको लेके गए तो बड़ा दुख हुआ कि सारा पत्थर बिगड़े पड़े, हमारी बनी हुई चीज़ें बिगड़ी पड़ी, उसको रख नहीं पा रहा। तो आप इस फिल्म का निर्माण कार्य कब से शुरू करेंगे? हम अगले महीने शुरू। तो इसमें जो खर्चा की है हमारे, चाहे वो झांसी की रानी हो, तात्या टोपे हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर, जितना भी यहाँ नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में वो सब आपको लाइब्रेरी मिलेगी, वहाँ की लंदन की लाइब्रेरी में, लंदन से फिर ये इंडिया में नहीं, वो हमारे बदनसीब हम बैठ लगे कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे योद्धाओं का इतिहास हम संभाल नहीं पाए। आज अगर आप कहीं जाओगे आपके फिल्मकारों को क्या वो है कि फिल्म में महोबा समेत पूरे बुंदेलखंड के स्थानीय
लोक परंपराओं से जुड़े कलाकारों को भी मौका दौजे है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बोछार की रानी। प्रवेश प्रारंभ, नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।